हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो MySQL को लेकर के, MySQL में अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं, हालांकि मैंने पहले ही सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी आज आपको बताता हूं कि MySQL में अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और बने हुए डेटाबेसेस को एक साथ देखना है तो हमें क्या करना होगा, कौन सा कमांड लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से MySQL को ओपन करता हूं, तो यहां पर टाइप करता हूं MySQL। जैसे ही टाइप करूंगा तो यहां पर MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट यहां पर दिखेगा। क्लिक कर दीजिएगा, जो भी पासवर्ड आपने तय किया हो वो पासवर्ड डालिएगा। इंस्टॉल करते वक्त जो पासवर्ड दिया हो आपने वही पासवर्ड आपको डालना है। फिर ये इस तरीके का सिनेरियो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस। इस तरीके से लिखेगा क्रिएट, फिर लिखेगा डेटाबेस, तो यहां पर डेटाबेस आप बना पाएंगे। तो ये लिख दिया क्रिएट डेटाबेस। लिखने के बाद उस डेटाबेस का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया स्कूल डी, यानी स्कूल का डेटाबेस, स्कूल डी देना है। यहां पर स्पेलिंग गलत हो गई, SCHOOL स्कूल डी, ठीक है। और यहां से टर्मिनेट कर दीजिए, टर्मिनेट करना यानी सेमी कोलन दे दीजिए। जैसे ही सेमी कोलन देंगे तो यहां पर लिखा हुआ आ गया है क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, यानी आपका डेटाबेस बन गया। क्या प्रूफ है कि आपका डेटाबेस बना? आपने डेटाबेस किस नाम से बनाया? स्कूल डी नाम से। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखने वाला हूं एक कमांड, जैसे लिखा मैंने शो डेटाबेसेस, तो आपको लिखना है शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेस नहीं, अगर शो डेटाबेस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, शो डेटाबेसेस लिखना है और यहां टर्मिनेट करके एंटर कर देना है। तो यहां पर देखिए कस्टमर डी नाम से डेटाबेस बना हुआ है, इंफॉर्मेशन स्कीमा ये तो पहले से दिया होता है, और यहां पर देखिए प्रोडक्ट नाम से बना हुआ है, प्रोडक्ट डेटाबेस बना हुआ है, स्कूल नाम से बना है, स्कूल आईडी से बना है, स्टूडेंट के नाम से बना है, स्टूडेंट डी के नाम से बना है, स्टूडेंट टी के नाम से बना है। देख सकते हैं हमने बनाया था स्कूल डी के नाम से, तो यहाँ पे स्कूल डी यानी स्कूल डेटाबेस ये बना हुआ है, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने डेटाबेसेस आपके पास बने हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी।